दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृश्चिक लव राशि फल नवंबर 2021। नवंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नवंबर का महीना आपके सभी प्रकार के रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि क्या गोचर में घटनाएं होने वाली हैं, क्योंकि नवंबर का महीना बेहद खास हो जाता है। चार मुख्य परिवर्तन हो रहे हैं और इस महीने गुरु बृहस्पति का भी परिवर्तन होगा और यह विशेष और बेहद खास होता है, तो इसका क्या महत्व है ये भी आपको बताएंगे, और किस प्रकार का रिलेशनशिप में बदलाव आने वाला है, किस प्रकार की स्थितियां आपके लिए बनने वाली हैं ये भी बताएंगे। सबसे पहले गोचर की घटनाएं जानते हैं। गोचर में सबसे बड़ा परिवर्तन बृहस्पति का है, लेकिन सबसे पहला परिवर्तन जो कि बुध का है। बुध दो बार परिवर्तन करेंगे। बुध जो कि सच्चे प्रेम के कारक हैं, बुध एक बच्चा है और बच्चा सच्चा होता है, प्यारा होता है और हमेशा सच्चा प्यार करता है, इसलिए सबसे पहला परिवर्तन बुध का है। बुध दो बार परिवर्तन करेंगे। 2 नवंबर को बुध का जो प्रवेश है वो तुला राशि में होगा। तुला राशि में बुध का परिवर्तन होगा, उसके बाद में ये 20 नवंबर को वृश्चिक में यानी कि आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये दो परिवर्तन हो गए बुध के। तीसरा परिवर्तन सूर्य का है। सूर्य नीच राशि तुला राशि को छोड़ करके आपकी राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 16 नवंबर को। और चौथा परिवर्तन है गुरु बृहस्पति का। 21 नवंबर को ये राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में, मकर राशि अपनी नीच राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये परिवर्तन है, ये चार परिवर्तन है। चंद्रमा का परिवर्तन आपको पता है 2.25 दिन में होता रहता है, तो इस परिवर्तन के बारे में, जो चंद्रमा के परिवर्तन होते हैं उसके बारे में आपको दैनिक लव राशिफल इस चैनल पर देते हैं, उस पर आपको बताते हैं। और मुझे लगता है कि आप दैनिक लव राशिफल जरूर देखते होंगे, क्योंकि उससे आपकी डेली की दिनचर्या, डेली की लव लाइफ, उसमें आप सुधार कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप उसमें संभाल सकते हैं। तो आप अगर नहीं देखते हैं तो देखा कीजिए, आपको इस चैनल पर दैनिक लव राशिफल भी मिलता है। अब हम बात करेंगे राशिफल की। राशिफल में हम बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लव लाइफ, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और वीडियो के लास्ट में आपको बताते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो ये महीना आपके लिए लकी रहेगा, बहुत ज़्यादा खुशियां देकर लेकर आएगा, बहुत सारी स्थितियां अच्छी कर देगा और काफ़ी पॉजिटिव आपका रिलेशनशिप रहेगा। जो मैं यहाँ पर नेगेटिव बात करूँगा वो भी पॉजिटिव बन जाएंगे। सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप हमारा लव राशिफल सबसे पहली बार देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें बस उन्हें। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख बस सुन सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल जो लोग हैं उनकी। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं वृश्चिक राशि वालों, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपका कोई दोस्त भी नहीं है, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। आपके लिए द्वितीयेश का विचार होता है। द्वितीयेश बृहस्पति परिवर्तन करेंगे, शुक्र का गोचर धनु राशि में जारी रहेगा पूरे महीने, तो 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपका कोई दोस्त बन सकता है, आपका कोई ऐसा दोस्त बन सकता है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, और उसके बाद में आप उसके साथ फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में जा सकते हैं आगे। आपको एक अवसर मिलने वाला है एक अच्छे व्यक्ति का। अगर आप ये चाहते हैं, आपको संस्कारी और बहुत ही अच्छा व्यक्ति मिले जो आपको बहुत प्यार करे, जिससे आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आपकी लव मैरिज हो, तो आपको ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जो बहुत ही इमोशनल होगा और आपकी कद्र करेगा, आपकी बात मानकर चलेगा, तो ये बहुत अच्छा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है इस बीच में। अगर आप किसी के साथ में किसी को प्रपोज कर रखा है या किसी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कोई पसंद है पहले से, तो ये पूरा महीना आपके लिए ही समर्पित है। आपके रिलेशनशिप में आप एक एक अवसर को छोड़िएगा मत। आप इसमें किसी को प्रपोज करें या किसी के साथ आगे बढ़ जाएं, किसी को शादी का कमिटमेंट दे दें या किसी के शादी के कमिटमेंट को एक्सेप्ट कर लें, वो सभी प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर बन रही हैं। ये इन स्थितियों से आप गुजरेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपकी किसी के साथ शादी फिक्स हुई, अरेंज मैरिज हुई,
और वहां पर आपको प्यार हो गया, कुछ महीने बात हुई और प्यार हो गया और उसके बाद शादी टूट गई। अब वहां पर आपको ये लगता है कि ये गलत हुआ और आपके पार्टनर ने शादी आपकी फैमिली की प्रॉब्लम वजह से टूट गई। अब आपके पार्टनर जो बनने जा रहे थे वो व्यक्ति अब खुद आपके पास आए, आप ऐसा सोचते हैं तो ये पूरा होगा आपका, क्योंकि वो खुद से आएंगे, अपना ईगो अपना स्वाभिमान झुका करके आपके पास वापस आएंगे और अपनी फैमिली से, खुद आपकी फैमिली से माफ़ी मांगेंगे और हर प्रकार से रिश्ता फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ी उम्मीद है और ये पूरे महीने बनी रहेगी आपके लिए, खास करके 21 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में ऐसी स्थिति बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अगर आपकी है तो क्या स्थिति आपके लिए बन सकती है। बहुत अच्छा गोचर है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन उम्मीद लगातार 2 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में बनी हुई है। लेकिन एक बात का यहां पर विशेष ध्यान रखिएगा, वो बात यह है कि अगर आपने पार्टनर से, जो आपके कॉन्टैक्ट में आएंगे एक्स पार्टनर, उनके साथ बहस करी तो आपका रिश्ता सुधरने वाला नहीं है। बहस नहीं करना है, जो कहें एक्सेप्ट कर लेना है, वही वो चाहेंगे। ईगो भरपूर हो आपसे भी ज़्यादा, जो वापस आएंगे वो अकड़ में आएंगे कि मुझे तो एक्सेप्ट करना ही होगा इसे, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं तो मैं भद्दा व्यवहार करने लगूंगा, फिर इसके बारे में उल्टा सीधा बोल, तो बहस हो जाएगी। यानी कि अगर आपने उन्हें बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किए क्यों छोड़ कर गए थे क्या है, तो ये सब चीज़ें बहस में बदल जाएंगी। मंगल भी तो है और मंगल बहस करवाएगा, झगड़े कराएगा, बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे तो परेशानी फिर से बन जाएगी। लेकिन वही लव लाइफ की अगर बात करते हैं तो लव लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो है थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो लव लाइफ में आपके अभी वर्तमान में है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर आपने किसी थर्ड पार्टी यानी कि अपने कोई पास्ट को लेकर के कोई बात उन्हें पता चली तो वो बहुत ज़्यादा झगड़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं। और ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में, यानी कि आपके एक्स आपका कोई पास्ट, आप दोनों के बीच में तकरार करा कर रहेगा, मतलब किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों की बुरी स्थिति होने ही वाली है। और इससे बचने का सबसे सरल और सबसे आसान रास्ता यही है, एक्स का मैसेज आए, कुछ भी आए, आप अपने पार्टनर को जरूर बताएं, अपने पार्टनर से कुछ ना छिपाएं। अगर आप ज़्यादा ईगो दिखाते हैं और आप चोरी करके भी सीना चोरी करते हैं तो आपके लिए फिर वो आपका रिश्ता बिल्कुल नहीं चल सकता है। इसलिए चोरी मत कीजिए, सीना चोरी की तो बात ही अलग है, फिर दूसरी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको जो भी है पारदर्शिता रखनी है रिश्ते में, इस बात का ध्यान रखना है। आपकी अगर मैरिज हुई है तो वहां पर आपके पास्ट का मैसेज आता है तो उसे मत बताइए अपने पार्टनर को, ये लव लाइफ के लिए है। अगर आपकी मैरिज हुई है अपने पति से या अपने वाइफ से बता देते हैं तो प्रॉब्लम है, वहां पर आपको नहीं बताना है, ये बताना है यहां पर। वहां पर बताना नहीं, वहां पर तो ब्लॉक कर देना, और अगर परेशान करे तो फिर आपको फिर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आपको वहां पर रिश्ता खत्म ही कर देना चाहिए अगर आप अपनी मैरिड लाइफ अच्छी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर लव लाइफ में ही है इसलिए ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर बहुत सारी स्थितियाँ आपके लिए मैरिड लाइफ के लिए ख़राब हैं, क्योंकि मैरिड लाइफ में राहु तो विद्यमान है ही, सूर्य भी आ जाएगा, यानी 16 से बहुत सारी स्थितियाँ खराब हो जाएंगी। बृहस्पति जो ठीक ठाक आपके दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहा था अभी तक, वो भी चला जाएगा। मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, राहु का विद्यमान होना सप्तमस्त, ये सभी चीज़ें और बुध भी आ जाएंगे, बहुत सारी स्थितियां खराब कर देंगे। गलत फहमियों के शिकार होंगे मैरिड लाइफ में, गलत फहमियां, डाइवोर्स की बातें, ये सब चीज़ें होने लगेंगी। और ये सबसे ज़्यादा जो होंगी वो 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ज़्यादा होंगी। वैसे कह सकते हैं कि 16 नवंबर से सूर्य आ जाएंगे, तो 16 नवंबर से मतभेद होने लगेंगे, झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे तो पूरा नवंबर का महीना ही आपके लिए मैरिड लाइफ के लिए खराब है, डाइवोर्स की बातें, झगड़ों की बातें, बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत सावधान रहना है, किसी प्रकार से झगड़े ना हो पाए उसके लिए कोशिश करते रहना है। बाकी आपको उपाय के वीडियोस हमने दिए हैं, कुछ देते रहते हैं, तो उन उपायों को जरूर कीजिएगा, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करें और अपने
कुंडली के आधार पर अपनी लव लाइफ जान करके, लव रीडिंग करा करके, अपनी मैरिड लाइफ की रीडिंग करा करके उपाय पाएं। और आपको अपनी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी बनानी है, उसके लिए उपाय चाहिए आपको, तो अलग से आपको उपाय मिल जाएंगे। और बेहतरीन आपको इस दीपावली तो बेहद खास उपाय सभी को देने वाले हैं। तो आप अगर रीडिंग चाहते हैं तो आप जरूर करा लीजिएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देखा जाए तो आपके लिए स्थितियां बहुत सारी अच्छी हैं। यहां पर काफी प्यार मिलेगा, काफी आपके साथ में संबंध अच्छे रहेंगे। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जरूरत से ज्यादा फिजिकल रिलेशन आपको नहीं करना है। फिजिकल रिलेशन आपके बीच में प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकते हैं। तो मुलाकात होगी, बहुत सारा प्यार होगा, बहुत सारी स्थितियां अच्छी होंगी, लेकिन फिजिकल रिलेशन अगर ज्यादा करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको रोना भी पड़े। आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं पार्टनर के प्रति, और फिर आपको वो रुला भी सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ओवरथिंकिंग करने से आपको बचना चाहिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यह था दोस्तों आपका नवंबर का लव राशिफल। अब जान लेते हैं तीन लकी राशियां। अगर उन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपकी लव लाइफ बेहतर रहने वाली है। सबसे पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी राशि है कर्क राशि, तीसरी राशि है तुला राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो इस महीने आप दोनों के बीच में काफ़ी सामंजस्य रहेगा, चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो दोस्तों यह था आपका लव राशिफल। अगर आपको लव राशिफल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।